हेलो फ्रेंड्स, आज आमे 2021 मसीहा आरआई एग्जाम रे आसीथिबा इंग्राजी प्रश्न उपरे आलोचना करिबा। तो आज आमे प्रथम 20 क्वेश्चन डिटेल्स डिस्कशन करिबा। तो प्रथम प्रश्न हला देखंतु, राम सेड टू मी यू विल बी रिवार्डेड। तो एटा आपनकर डायरेक्ट स्पीच रे अछि। तो डायरेक्ट स्पीच रु जते बेले इनडायरेक्ट टू कन्वर्ट हेबो, तो प्रथमे देखंतु एटी भार्ब आपनकर पास्ट टेंस रे अछि, तो यार भार्ब मध्ये पास्ट टेंस रे हेबो। तो राम कहाँ कहुची मत कहुची, तो राम टोल्ड मी दैट, जेहेतु मत कहुची यही जगह कौन हो आई, यू जगह आई हो विलटा पास्ट टेंस रे हो उड। तो राम टोल्ड मी दैट आई वुड बी रिवार्डेड। तो यहाँ ऑप्शन हो सेकेंड बी ऑप्शन हो करेक्ट आंसर। तो सेकेंड क्वेश्चन को आम जी, ही सेड टू मी आर यू वेल। तो ये कौन अच्छी क्वेश्चन अच्छे, यहाँ आपंकर येस नो टाइप रो क्वेश्चन। तो येस नो क्वेश्चन रे आपंकर कौन हुए जिते बेले आम इनडायरेक्ट स्पीच रे करिबा, ही आक्स्ट आक्स्ट लगे थाए। आउ जदि येस नो टाइप रो क्वेश्चन ताहले इफ लगे, ही आक्स्ट जेहेतु मते कहिछि आम कौन करिबा, ही आक्स्ट मी आगुरु लगेबा, ही आक्स्ट मी तापर इफ लगे। इफ आर यू वेल को जदि आम एफर्मेटिव करिबा ताहले कौन हेबो, यू आर वेल, यू आर वेल हेबो। तापर एटा को आम चेंज करिबा, यू आर वेल को जदि एटा जेहेतु पास्ट टेंस रे अछि, एटा को आम कौन करिबा, यू वेर वेल वेल हेथांता। तो जेहेतु मते कहुछि आम कौन करिबा, यू जगार आई लगेबा एवं वेर जगार कौन लगेबा, आई वाच वेल। तो कौन हेबो, ही आस्क्ड मी इफ आई वाच वेल, ही आस्क्ड मी इफ आई वाच वेल हेबो आपनकर ऑप्शन डी, डी हे जेबो करो करेक्ट आंसर। माय फ्रेंड सेड टू मी लेट अस गो दे आर टुमरो। तो एटा आपनकर इंपेरेटिव सेंटेंस रे अछि। तो इंपेरेटिव सेंटेंस रे थिले कोन होए, सेटा सजेस्टेड हे जाए किंबा एटी प्रपोज करले मध्ये चलिबो, सेटा कोन होए सजेस्टेड। एटा पास्ट टेंस रे जेहेतु सजेस्टेड लिखि दिले मध्ये हेथांदा, एटी प्रपोज अछि तो प्रपोज लिखिबा। तापरे कोन होए, ही सजेस्टेड माय फ्रेंड जेहेतु अछि, माय फ्रेंड सजेस्टेड दैट, तापरे कोन लागे सुड लागे, सब्जेक्ट परे परे सुड लागि थाए, एटा आपनकर फार्मूला अछि। तो माय फ्रेंड सजेस्टेड दैट अस जेहेतु अछि वी हेगला, वी सुड गो दे आर दि नेक्स्ट टुमरो रो चेंज हे कि कोन होए आपनकर इनडायरेक्ट नेक्स्ट हे थाए। तो ऑप्शन फर्स्ट हे जइबो यार करेक्ट आंसर। तापरे देखिबा, ही सेड हाउ ब्यूटिफुल दि रोज इज, एटा आपनकर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो हिज जिते बेले एक्सक्लामेटरी सेंटेंस थाए पाखा सब बेले आम प्रायतः एक्सक्लेम लिखि था, ही एक्सक्लेम दैट हाउ ब्यूटिफुल दि रोज, रोज इज को जदि आम चेंज करदे दि रोज इज भेरी ब्यूटिफुल, मैंने हाउ ब्यूटिफुल दि रोज इज को जदि चेंज करवा दि रोज इज भेरी डिक्लेरेटिव सेंटेंस को कहे दि रोज इज भेरी ब्यूटिफुल एटा हेबो। तापर एटा को आम पास्ट रे जदि कन्वर्ट करा, जेहेतु एटी पास्ट टेंस रे ही सेड अछि, तो एटा कोन हेबो, ही एक्सक्लेम दैट दि रोज इज जगार कौन हो पास्ट टेंस वाज हो, दि रोज वाज भेरी ब्यूटिफुल। तो यहाँ आपंकर 4 नंबर कौन हम ऑप्शन बी हे, ही एक्सक्लेम दैट दि रोज वाज भेरी ब्यूटिफुल। 5 नंबर क्वेश्चन देखा, दि टीचर सेड ऑनेस्टी इज दि बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ आउ किसी चेंज हे ना, ऑनेस्टी इज दि बेस्ट पॉलिसी, दि टीचर सेड दैट, यहाँ सत कथा, ऑनेस्टी इज दि बेस्ट पॉलिसी मैंने सत कथा, यूनिवर्सल ट्रुथ कहीपर, जनरल ट्रुथ कहीपर, एमती जदि अच्छी तेल से किसी चेंज हुए ना, मझे खाली केवल दैट लगि जाए, दि टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज दि बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ आपंकर 5 री हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, तो देखो यहाँ आपंकर 6 नंबर 10 नंबर, ह्विच वन इज ग्रामाटिकाली करेक्ट, कौटा ग्रामाटिकाली करेक्ट अच्छे आम से देखा। 6 नंबर लिखाई है देखो, वन सुड किप, वन्स रो पॉजिटिव केसटा कौन, वन्स मैंने दे रमीक दे आर, तो यहाँ वन रो पॉजिटिव केस हूँ वन्स, वन सुड किप वन्स प्रोमिज हे कौन हे, वन्स प्रोमिज हे प्रोमिसेस दे, वन सुड किप वन्स प्रोमिसेस, वन्स सहित केवल हिज लगे ना, आवार लगे ना, दे आर लगे ना, वी सुड किप आवार प्रोमिसेस होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, यहाँ तो 6 रड्डी होगा। तापर आम देखा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर जोटा अच्छी आम डिस्कसन करवा।
नो सुनर हैड आई लेफ्ट होम देन इट बिगेन टू रेन। तो यही क्वेश्चन रे आम प्रथम देखा नो सुनर, तो आपणकर गोटे एडभार्व नो सुनर देन एक्चुअली लगी था। नो सुनर देन केते बेले लगे जेते बेले गोटे एक्शन हेला परे आउ गोटे एक्शन संगे संगे घटे, माने मु घर को पहुँचिली कि वर्षा हेला ए प्रकारटा। आमे जेते बेले ट्रेन पहुँचला पैसेंजर माने दौड़ी गले, तो सेटा से जगह आम नो सुनर देन यूज कर पारिबा। तो नो सुनर देन केमिति यूज हुए आम देखा, तो जेहेतु प्रथम आम नो सुनर को ये लिखाई देखते एडभार्व को लिखाई, एडभार्व को जब लिखागला ताहले कौन भार्टा इनवर्टेड फॉर्म रे हुए। तो मुझे गोटे एग्जांपल दूसरी मनेकर हार्डली, हार्डली गोटे एडभार्व, हार्डली हि डज हेब ना हार्डली डज हि हुए, तो यहाँ हूँ इनवर्टेड फॉर्म। हार्डली जदि एडभार्व लगेगा तार इनवर्टेड फॉर्म जमी आप क्वेश्चन करते डज हि हैड हि हैड हि डन यही प्रकार आप लगे। तो ये आपणकर कौन हे नो सुनर आई लेफ्ट इटा केबे हेबो नाही, इटा कैंसल कर देबा, आई हैड केबे हेबो नाही, नो सुनर हैड आई माने इनवर्टेड फॉर्म रे लिखिले माने नो सुनर तापर हैड आई लेफ्ट होम देन अछि, तो नो सुनर देन अछि, तो इटा हेबो करेक्ट आंसर। काहे कि एटा भी एट ए जगह रे मध्य आपनकर इनवर्टेड फॉर्म रे बाहर बजे किंतु एटी देन नाही। नो सुनर हैड आई लेफ्ट होम देन इट बिगन टू रेन, तो मु घर छाड़ीबा संगे संगे वर्षा आरंभ हो गला। गोटे घटना घटला परे आ गोटे घटना जदि सडन घटुची से जगह नो सुनर देन आम यूज करितो एज सुन एज जेमिति। तापरे देखिबा एटा ऑप्शन 7 रो ए हला। तापरे 8 नंबर देखिबा माय फादर हेल्प मी टू क्लीन दि रूम, तो देख भार कौन अच्छे हेल्प अच्छी आउ एटा कौन एक्टिव वॉइस रे अच्छी, एक्टिव वॉइस रे अच्छी प्रथम कथा हला एक्टिव वॉइस रे अच्छी आउ भार्टा अच्छे हेल्प। तो आपणकर जदि हेल्प जेते बेले लागे तापरे जो भार बसिबो सेटा सेतिरे टू किंबा आई एन जी लागे नाही, टू किंबा आई एन जी लागे नाही, डायरेक्ट भार हुए। तो आमे एठी कोन कहिबा माय फादर हेल्प मी टू हेबो नाही, माय फादर हेल्प मी टू क्लीन हेबो नाही, माय जेहेतु एटा देखो एटा पैसिव रे अछि, पैसिव रे तो नाही, पैसिव रे हिथिले कोन हेबो हि मेड मी टू आ हि हेल्प मी टू होता, एटा एक्टिव वॉइस रे अछि, तो माय फादर से टू लागिबो नाही, तो फास्ट कैंसिल होगला माय फादर हेल्प मी फास्ट गला, माय फादर हेल्प मी क्लीनिंग आई एन जी पैटर्न क्लीन टा होता हेबो नाही, माय फादर हेल्प्ड मी क्लीन दि रूम आउ लास्ट कहीं क्लीन टा पास्ट टेन्स यहाँ हेबो नाही, माय फादर हेल्प मी ये तो बाहर पची ये टेन्स कहूँ हेल्प टा टेन्स कहूँ आउ क्लीन रे कहीं टेन्स ये पास्ट टेन्स लगेगा, माय फादर हेल्प मी क्लीन दि रूम सी हो करेक्ट आंसर। तापरे देखंतु हि आस्क्ड मी व्हाई हैव यू कम हियर, तो यहाँ कौ पैटर्न रे अच्छी इनडायरेक्ट स्पीच रे यहाँ अच्छी, तो इनडायरेक्ट स्पीच रे स्पीच रे जदि अच्छी तो यहाँ एक्चुअली हि आस्क्ड हि सेड टू मी व्हाई 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 आई हैड कम हियर, व्हाई यू हैव कम हियर एपरी अच्छी डायरेक्ट स्पीच रे हि सेड व्हाई यू हैव कम हियर, तो यहाँ को जो आम इनडायरेक्ट करवा कौन हे हि आक्स ठीक अच्छे, तो यहाँ जेहेतु डब्ल्यू एच वार्ड अच्छी डब्ल्यू एच वार्ड रू क्वेश्चन टा स्टार्ट होती इफ येस आउ नो क्वेश्चन नुह से इफ बा वेदर लगे ना, तो हि आक्स मी व्हाई ठीक अच्छी हि आक्स मी मत जेहेतु पचरा से आई है हि आक्स मी व्हाई आई हैड कम हियर, व्हाई यू हैव कम हियर को कनवर्ट करके ये कौन कराला व्हाई आई हैड कम हियर, तो यहाँ 9 रो डी हेबो करेक्ट आंसर। तापर 10 नंबर देखिबा आई एंजॉय टू प्ले दि पियानो, तो मु जो क्लास गुडा को इंग्राजी रे करी दिली सब बेले मु कही छी जे एंजॉय सहित स्टॉप सहित एवॉइड सहित सब बेले तापर जो भार बसिबो सेतिरे आई एन जी लागिबो, एटा बहुत थोर कही छी मध्य। तो एटी कोन हेबो आई एंजॉय प्लेइंग दि पियानो, आई एंजॉय प्लेइंग दि पियानो हम जेहतु एंजॉय पर जो भार बस आई एन जी लगी थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 11 दि फंक्शन केम टू क्लोज एट 10:30, तो ये आपण को चूज करार अच्छी क्लोजटा कौन एवं पासटा कौन, तो क्लोज हो देखूँ आपणकर यहाँ दि फंक्शन केम टू क्लोज माने फंक्शन सरीगला केते बजे माने 10:30 10:30 फंक्शनटा बंद होगा क्लोजटा ये कौन
फंक्शन कैम टू ए क्लोज कही कैम टू ए क्लोज मैंने कैम तो बाहर क्लोज यदि बाहर हेब ना क्लोज टा यदि नाउन हेब एवं पास्ट आपंकर बाहर भी हो नाउन एवं बाहर एट हाफ पास्ट टेन मैंने पास्ट अतिक्रम कर दस है तो बी हेब करेक्ट आंसर। तापर 12 नंबर देखा हि इज द फास्ट मैन टू सीट ऑन ए फास्ट से प्रथम व्यक्ति जे कि आपणकर कौन फास्ट मैंने कौन उपवास रहा तो यहाँ हूँ तो फास्ट मैन तो मैन को यहाँ जेहेतु डेस्क्राइब करुँ तो फास्ट एडजेक्टिव हेब एवं फास्टा गोटे अवस्था को जेहेतु बुझे से गोटे नाउन हेब तो आपंकर कौन करेक्ट आंसर हेब एडजेक्टिव आउ नाउन 12 र ए हेब करेक्ट आंसर। 13 नंबर देखा जैक एंड जिल वेंट ऑफ द हिल एंड लुक्ड अप जैक एंड जिल वेंट मैंने पहाड़ ऊपर को गले एवं ऊपर को चाहिए तो लुक्ड अप हो गए फ्रेजाल भार एवं यही जगह अपटा कौन हो ऊपर को चढ़िले मैंने यहाँ हूँ आप प्रिपोजिशन अपटा ये प्रिपोजिशन हिसाब से कम करुँच लुक्ड अप जेहेतु गोटे फ्रेजाल भार सब फ्रेजाल भार में कौन हुए भार सहित गोटे एडभार लगी था लुक्ड अप मैंने कड़े चाहिला ऊपर को चाहिला से चाहिला को सेटा डेस्क्राइब करुच्ची बा मॉडिफाई कौन को डेस्क्राइब करुच्ची माने चाहिला को से आउ टिके तार विषय अधिक कथा कहुच्ची से एटा एडभार्ब तो यहाँ कौन है क्वेश्चन प्रीपोजिशन एवं एडभार्ब कौटी हो बी 13 रो बी हेबो करेक्ट आंसर। तापर आम देखा 14 एज सुन एज द टीचर एंटर द रूम ऑल द लाइट्स वर एक्सटिंग्विश तो यहाँ आपंकर फ्रेजाल भार्ब अच्छे फ्रेजाल भार्ब उपरे आलोचना करते एंटर्ड एक्सटिंग्विश एक्सटिंग्विश रो मीनिंग आपंकर होची पुट आउट एक्सटिंग्विश रो मीनिंग है आपंकर कौन पुट आउट माने एक्सटिंग्विश माने लिभी गला एज सुन एज द टीचर एंटर जिते बिल शिक्षक क्लासरूम को पशिले सब लाइट लिभी गला आउ गट इन टू तो यहाँ हो 14 रो ए एंटर्ड माने गट इन टू। तापर देखिबा नेक्स्ट आई कुड नॉट टॉलरेट द ह्यूमिलेशन एज द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ यूनियन फॉर आवर प्रपोजल वाज रिजेक्टेड बाय द प्रिंसिपल टॉलरेट आई कुड नॉट टॉलरेट तो टॉलरेट रो फ्रेजाल बार हो जी आपणकर पुट ऑफ आउ आपणकर रिजेक्टेड रो फ्रेजाल बार हो जी टर्न डाउन पुट ऑफ एंड टर्न डाउन यार टर्न ऑन अच्छी तो यहाँ कौन हम पुट अप विथ एंड टर्न डाउन हो करेक्ट आंसर। 15 रो सी हो करेक्ट आंसर। तापर देखा 16 दि थीप्स फोर्सिबली एंटर आवर हाउस लास्ट नाइट एंड एस्केप माने चोरटा जबरदस्ती आम घर को पशिला फोर्सिबली एंटर टाक कौन हुए सेटा ब्रेक इनटू होता है प्रेजेंट सिंपल रे जदि कहिबे प्रेजेंट टेंस रे जदि कहिबे तो एटा पास्ट टेंस रे जेतु फोर्सिबली एंटर्ड कहिजे सेते लागि एटा हेला ब्रोक इनटू एवं एस्केप माने कोन गॉट अवे विथ तो एटा हेबो 16 रो सी। तापर नेक्स्ट देखिबा 17 एटा मु ऑलरेडी आपन को क्लास मध्ये करि दिली मॉक टेस्ट मध्ये करा हिची नॉट ओनली द बॉय बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स तो जिते बेले नॉट ओनली लगी थाए सेंटेंस रे दुईटा नाउन को से जॉइन करी थाए देखो द बॉय अछि एटी आ गोटे हिज पेरेंट्स अछि तो नॉट ओनली बट ऑल्सो जिते बेले लागिवो सेते बेले कोन हेबो आपनकर सेकंड सब्जेक्ट हिसाब रे भारटा हे थाए हिज पेरेंट्स प्लुराल अछि तो एटी प्लुराल कोटा अछि देखिबा प्लुरालटा वेयर अछि तो ए दुईटा भितर जोटा हेले हेबो ए आउ सी भितर। तापर देखिबा नेक्स्ट ए रिजल्ट ऑफ व्हिच 2/3 ऑफ द वर्क जेते बेले फ्रैक्शन थाए सेते बेले फ्रैक्शन कथा जदि कहा गला सेते बेले सिंगुलर भार बसी थाए तो एटा हेला आपनकर वेयर एंड वाच 17 रो ए हे जेबो करेक्ट आंसर। तापर 18 देखिबा द ओल्ड मैन एज वेल एज हिज सन तो एज वेल एज रे स्टार्ट हे जी सेंटेंस एज वेल एज लागै छी दि ओल्ड मैन के हिज सन को एज वेल एज कनेक्ट कर तो एज वेल एज जिते सब्जेक्ट को कनेक्ट कर दुटा नाउन को कनेक्ट कर गोटे सेन्टेन्स से भारटा प्रथम सब्जेक्ट हिसाब से होता है तो दि ओल्ड मैन कौन हम इज हेब दि ओल्ड मैन इज ठीक अच्छे। तापर देखा एट दि फल्ट फर दिस ट्राजिक इनसीडेन्ट फर हुईज ए क्राउड अफ पीपुल ए फ्लग अफ काउच एमती जो अच्छी क्राउड अफ फ्लग अफ हर्ड अफ रेजिमेंट अफ एमती जो लगी थाए सेटा प्रेजेंट सॉरी सिंगुलर भार्ब होता है
तो यहाँ कौन हम यहाँ तो इज हो गला एटा मध्य सिंगुलर भार कौन हैच हैच हम इज एंड हैच तो 18 रो बी हम करेक्ट आंसर। तापर 19 को देखा आई एटा आप रिलेटिव क्लॉज दे अछि आई हु डैश हिज फ्रेंड मस्ट लुक टू हिज इंटरेस्ट आई हु आई विषय कह तो आई सहित तो कौन लगे एम लगे तो यहाँ करेक्ट हम आई हु एम हिज फ्रेंड हु एम हिज फ्रेंड मस्ट लुक टू हिज इंटरेस्ट तो 19 रो डी हम। तो ऑल दैट ग्लिटर्स तो यहाँ आप इज लगे ऑल दैट ग्लिटर्स यहाँ गोटे क्लॉज रु जेहेतु स्टार्ट होतीपाई यहाँ इज लगे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तापर देखिबा स्लो एंड स्टेडी विन्स द रेस बिकॉज़ द हेस्ट मेक्स वेस्ट तो यहाँ थी आप डिस्कशन। तो जदि आपन को कोटा डाउट लगला आपन कोटा जदि ठीक आंसर बोली भावुंत आप कमेंट करें जदि कोटा भूल अच्छी तेल आम डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे तार करेक्ट आंसर दे पार। तो मुझे भावुँ ये 20 रु 20 निहाती भाव करेक्ट अच्छी जदि आप नजर को किसी आसला आप कमेंट करें। तो इंग्राजी सहित तो आम मैथ्र आंसर सीट काढ़ीचे ओडियार काढ़ीचे आपन जाके देखिपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे तार लिंकटा देदे एवं जो मैंने एएसओ प्रिपेरेशन करूँगा एल आई एस एफ एस प्रिपेरेसन करती भाव यही चैनल सहित तो कनेक्ट होकर रुँ कहीं आपंकर रेगुलर क्लास होगा जाऊँगी ऑलरेडी कतेटा वीडियो अपलोड होती।